मैं डॉक्टर आरपी चौधरी, प्लास्टिक सर्जन, तिरुस हॉस्पिटल पटना। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाथ एक ऐसा विभाग हो गया है आज के डेट में जिसका कि इलाज जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और प्लास्टिक सर्जन सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन हाथ एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें कि फंक्शन मायने रखता है, जिसमें थोड़ा सा भी अगर डेफिसिट रहता है तो उसके आगे वाली ज़िंदगी में उसका काम कुछ ना कुछ हैम्पर रहता है। तो उसके लिए अगर एक प्लास्टिक सर्जन के द्वारा अगर इलाज किया जाता है तो उसमें हड्डी तो हड्डी विभाग करते हैं, लेकिन जो नस हुआ, टेंडन हुआ या नर्व हुआ, आर्टरी हुआ, उसका रिपेयर एक प्लास्टिक सर्जन के द्वारा किया जाता है। अगर मान लिया जाए कि कोई हाथ की उंगली कट के बाहर चली गई, अगर वो शार्प कट है तो उस ऑर्गन को प्रॉपरली प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व कैसे करना है कि कटी हुई उंगली को एक साफ गौज में रख के उसको एक पन्नी में रख लेना है, भींगे हुए गौज को एक पन्नी में रख करके उसको चारों तरफ से आइस क्यूब डाल के और उसको जितना जल्दी हो सके एक स्पेशलाइज सेंटर पे लेके आना है जहाँ पे कि उस उंगली को जोड़ा जा सके। उसी तरह हाथ, अगर हाथ कट जाती है तो हाथ में भी अगर या तो पार्शियल कट है या कंप्लीट कट है, अगर कंप्लीट कट के अलग हो गया है, बाहर शरीर से अलग निकल गया है, तो उसको भी उस ऑर्गन को उसी तरह प्रिजर्व करना है। और प्रिजर्व करके ये कोशिश करनी है कि उसको 6 घंटे के पहले ला करके उसकी सर्जरी शुरू कर दी जाए। जितना घंटा पहले उसका सर्जरी स्टार्ट होगा उसका आउटकम भी उतना ही बेहतर होता है। और नर्व, आर्टरी, वेन और टेंडन, ये सारे के सारे ऑर्गन एक साथ रिपेयर किए जाते हैं। और रही बात जहाँ तक हड्डी का, तो अगर रिस्ट के ऊपर का अगर भाग कटा है तो वो एक ऑर्थोपेडिक टीम दोनों कंबाइंड होकर के, ऑर्थोपेडिक टीम एंड प्लास्टिक सर्जरी टीम दोनों उसको रिपेयर करती है। और ऑपरेशन के बाद मरीज को बीच बीच में फिजियोथेरेपी के लिए बुलाया जाता है और धीरे धीरे उसके हाथ का फंक्शन एसेस करते हुए उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में उसको एडवाइस दिया जाता है। और अगर कुछ कमी बेसी रहती है तो फिर उसको सेकेंड रिविजन सर्जरी भी कभी कभी करना पड़ता है।